हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें चैनल से किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में खोलना है, आपको अपने फ़ोन में यूट्यूब खोलना है। देखो ये यूट्यूब का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यूट्यूब के लोगो पर आपको क्या करना है, क्लिक। हमने यूट्यूब के लोगो पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप सर्च करते हो, सर्च ये यहाँ जो हमारे पास सर्च का ये बना रहा है सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे हम। और जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही हमें यहाँ पर सर्च जो करना है वो करना है KMD सहारनपुर। देखो यहाँ पर लिखते हो ना आप यहाँ पर टाइप करोगे KMD सहारनपुर, और हमने पहले से ही यहाँ सर्च कर रखा है, टाइप कर रखा है KMD सहारनपुर। तो आपको यहाँ सर्च करना है KMD सहारनपुर। जैसे ही आप लिखोगे, तुरंत आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और आपको दिखाई देगा एक गोल गोल लोगो KMD का। ये जो लोगो है, इस लोगो के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगों के ऊपर क्लिक करोगे, ये हमने क्लिक करा, क्लिक करते ही आपको चैनल का होम पेज खुल के आएगा आपके सामने। देखो ये चैनल का होम पेज है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये लिखा हुआ है होम। तो चैनल का होम पेज खुलेगा और आपको होम पेज से ही सारा मटेरियल मिल जाएगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा कि चैनल के होम पेज में आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा एक वीडियो, जो इंट्रो वीडियो है, ये वीडियो दिखाई देगा आपको। इसमें ये वही वीडियो है जिसमें मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ इस समय, ठीक है। इस वीडियो को आप देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो, पर आप ऊपर से स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले आपको मिलेगी क्लास 12th की पूरी पढ़ाई। सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ सबसे ऊपर, देखो आप, ये लिखा हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, यानी 12th की केमिस्ट्री का NCERT का जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक में जितने यूनिट हैं सारे यूनिट आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आपने मान लो यही है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 में, आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा नीचे, यहाँ आप एक बात देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है क्लास 12th यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो इसमें आपको टोटल कितने लेक्चर दिखाई दे रहे हैं, 42। और ये जो है ये 42 लेक्चर इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जब आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारे लेक्चर खुल जाएंगे। आप यदि इस जगह क्लिक करते हो, देखो यहाँ यहाँ क्लिक करते हो इस जगह, तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट चल जाएगी, पूरे 42 के 42 लेक्चर चलेंगे। और यदि आपको ये अलग अलग चलाने हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे मान लो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो आप हर एक टॉपिक को अलग अलग भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो जो टॉपिक आपको चाहिए उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। चलो बैक चलते हैं। यहाँ जो है आपको मैंने बताया कि यहाँ से तो आपको मिल जाएंगे 42 लेक्चर क्लास 12th की पहली यूनिट के ठोस अवस्था के। उसके बाद ऊपर गए हम, यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है क्लास 12th यूनिट सेकंड विलयन सॉल्यूशन। इसमें कितने लेक्चर हैं, 36, और इसके 36 लेक्चर ही खुल गए। यहाँ से आप कोई सा भी लेक्चर पढ़ सकते हो, या फिर पूरी प्लेलिस्ट को चलाना हो तो यहाँ से चला सकते हो उस जगह से। अब आ जाते हैं बैक। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है क्लास 12th की यूनिट नंबर 3rd, ये क्लास 12th की यूनिट नंबर 4th। अब 4th के बाद ये जो एरो का निशान यहाँ आ रहा है ना, इसके ऊपर ध्यान दो जरा सब, बिल्कुल। ये जो आपको यहाँ ये निशान दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। यूनिट नंबर 4 है ना, एरो पे क्लिक करोगे, ये देखो ये खुल के आ गया क्लास 12th का यूनिट नंबर 5। इसमें कितने लेक्चर हैं, 23 लेक्चर हैं, 23। उसके बाद आप नीचे जाओगे, ये खुल के आ गया क्लास 12th का यूनिट नंबर 6, इसमें 11 लेक्चर हैं। उसके बाद ये आ गया क्लास 12th का यूनिट नंबर 7, इसमें 20 लेक्चर हैं। उसके बाद आ गया क्लास 12th का यूनिट नंबर 8, इसमें 8 लेक्चर हैं। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट नंबर 9, 15 लेक्चर हैं। उसके बाद आ गया, देखो अब ध्यान दो, यूनिट 9 ही है इसमें फर्स्ट बुक में। उसके बाद ये आ गया आपका सेकंड बुक, क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड में यानी सेकंड बुक में जितने भी यूनिट हैं यहाँ मिलेंगे आपको, और हर एक टॉपिक मिलेगा। जैसे ये क्या है क्लास 12th का, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, देखो क्लास 12th का यूनिट नंबर 10, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, 19 लेक्चर हैं इसके। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट 10 के बाद ऊपर आते हैं क्लास 12th का यूनिट 11, 21 लेक्चर। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट नंबर 12, 21 लेक्चर। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट 13, 14 लेक्चर। अब ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो, ये आ गया क्लास 12th का यूनिट नंबर 14, 13 लेक्चर। क्लास 12th का यूनिट नंबर 15, 5 लेक्चर। क्लास 12th का यूनिट नंबर 16, 4 लेक्चर। तो ये 16 यूनिट हमारे पास हैं, तो यहाँ तो हमारा NCERT का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सारे आपको NCERT के उदाहरण मिलेंगे, सारे आपको NCERT के पाठ्य निहित प्रश्न मिलेंगे, और सारे अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। कोई भी चीज़ स्किप नहीं की गई है। उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए यहाँ आपको एक चीज़ मिलेगी, क्लास 12th क्या होता है जब, क्या होता है जब के भी 3 वीडियो आपको मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैंने यहाँ लिया है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th का नेम रिएक्शंस, जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, 4 वीडियोज उसकी हैं। उसके बाद क्लास 12th की अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत,
और भी जो कोई इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पूर्ण कीजिए वाली रिएक्शन मुझे मिलेंगी उनका एक और वीडियो डाल दूंगा मैं इसी फोल्डर में, ठीक है, जो ऐड करना होगा मैं ऐड करता रहूंगा, पर अभी मोर देन सफिशियंट हमारे पास है, बहुत ज्यादा मैटर है, बस आपके अंदर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और ये क्लास ट्वेल्थ का कैसे प्राप्त करोगे, इसके भी चार वीडियोज हैं, और ये बहुत बढ़िया फोल्डर है, देखो नीचे, ये इस फोल्डर को जरूर देख लेना, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस फोल्डर को आपको जरूर देखना है, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम स्पेशल, इसमें आपको सारा रिविजन मिलेगा। देखो सबसे पहला है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री MCQs ट्वेल्थ, यानी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद आप नीचे जाओगे, क्लास ट्वेल्थ का रिवीजन है, पूरे पूरे के पूरे बुक का रिवीजन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास ट्वेल्थ के शॉर्ट नोट्स यहाँ मिल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादातर चैप्टर्स के जो शॉर्ट हैं मैं और भी ज़्यादा कर दूंगा, तो यहाँ तो आ जाता है क्लास ट्वेल्थ का सारा सिलेबस, यहाँ तक कम्प्लीट हो जाता है, इसमें सारी चीज़ आ गई, चाहे आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना हो या फिर नीट के एग्जाम में बैठना हो या JEE के एग्जाम में बैठना हो या BSc का एंट्रेंस देना हो। हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने इतने डीप डिस्कस किए हैं कि BSc में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लास अलेवंथ पर, देखो यहाँ से आपको सेक्शन दिखाई दे रहा, क्लास अलेवंथ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, अलेवंथ केमिस्ट्री की पहली बुक, तो पहली बुक में यह आपको मिलेगा क्लास अलेवंथ यूनिट फर्स्ट, पहला यूनिट, 23 लेक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें क्लिक करोगे तो ये सारे लेक्चर खुल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट को चलाना है तो यहाँ क्लिक करो, और नहीं तो जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करो, ठीक है। ये आ गया क्लास अलेवंथ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, इसमें हम थे क्लास अलेवंथ यूनिट फर्स्ट रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, 23 लेक्चर। उसके बाद क्लास अलेवंथ यूनिट सेकंड परमाणु की संरचना, 37 लेक्चर। उसके बाद क्लास अलेवंथ यूनिट थर्ड भी आ गया, और क्लास अलेवंथ का यूनिट फोर्थ भी आ गया। फोर्थ के बाद यहाँ क्लिक कर लेना जरूर, यहाँ इस जगह देख रहे हैं ना आप, यहाँ क्लिक करोगे फोर्थ के बाद क्लास अलेवंथ का पाँचवा यूनिट, फिर क्लास अलेवंथ यूनिट छः, क्लास अलेवंथ यूनिट सात। ये हो गया हमारी पहली बुक खत्म। पहली बुक खत्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सेकंड बुक, 11वीं की सेकंड बुक स्टार्ट होती है, देखो क्लास अलेवंथ केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट बुक तो होगी खत्म, अब सेकंड बुक पे आ जाओ। सेकंड बुक पे यहाँ लिखा हुआ है नीचे क्लास अलेवंथ यूनिट आठ रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या आप इसे हिंदी में कहते हो अपचय उपचय अभिक्रियाएं। तो यहाँ तक का काम तो मैंने फिलहाल कर दिया है, इसके बाद अगला मैं काम लगातार क्लास अलेवंथ पर ही इस समय कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा क्लास अलेवंथ का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आऊँगा क्लास टेंथ पर, और टेंथ का साइंस पूरा कराऊंगा आपको, चाहे उसमें फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो, और टेंथ के बाद फिर मैं कराऊंगा क्लास नाइन्थ, ठीक है। तो अभी तो मेरा टारगेट ये है कि इसके बाद मुझे अलेवंथ के बाद कराना है क्लास टेंथ और फिर कराना है क्लास नाइन्थ। उसके बाद मैं स्विच करूंगा BSc फर्स्ट ईयर पर, BSc फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, फिर BSc सेकंड ईयर की केमिस्ट्री, और फिर BSc फाइनल ईयर की केमिस्ट्री, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। एक बात और बताता हूँ आपको कि यदि आपको PDF नोट्स चाहिए तो सबको पता होना चाहिए कि PDF नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। PDF नोट्स आपको मिलेंगे हमारा टेलीग्राम पर जो चैनल है KMD सहारनपुर के नाम से, वहाँ आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय। ध्यान रखना है KMD सहारनपुर के होम पेज से ही आपको पढ़ना है, होम पेज से यहाँ से, ठीक है, ओके बाय।